Hello everyone, good morning. I hope you all are fine. Today's subject English. For today's topic, capital R for small r. हमने last में भी run किया था, आज हम फिर से run करेंगे. Small r और capital R दोनों साथ notebook में भी करेंगे और textbook में भी करेंगे. चलो R for क्या होता है? R for क्या होता है? R for rainbow, R for ring, R for rose, R for ribbon. चलो और क्या? चलो अब हमें टेक्स्ट बुक निकालनी है और यहाँ पे सी डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे आज की टेक मेंशन करनी है. कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ में लर्न कर रहे हैं हम. फाइंड लेटर आर इन द गिवन वर्ड्स वन. फाइंड लेटर आर इन द गिवन वर्ड्स एंड सर्कल इट. हमें क्या करना है? हमें आर स्मॉल आर ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल बनाना है. सबसे पहले है स्टार, तो कहाँ पे आ रही है वो हमें देखना है, फिर सर्कल बनाना है. उसके बाद है रूस्टर, तो यहाँ लास्ट में भी आ रही है और फर्स्ट में भी. और डोर, तो यहाँ पे लास्ट में. टोर्टोइस, तो कहाँ पे आ रही है? यहाँ बीच में. और कैरेट, तो यहाँ पे टू आ रही है, तो हम दोनों में बना देंगे. और यहाँ पे रिंग. चलो नीचे क्या करना है? ट्रेस एंड राइट द लेटर टू प्रैक्टिस. हमें सबसे पहले क्या करना है? आर को ट्रेस करना है. कैसे करोगे? जो हमारे स्टेप है वैसे ही हमें करना है. यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल. स्टैंडिंग, कर्व और स्लांटिंग. स्टैंडिंग और यहाँ आगे से ऐसी लाइन बनानी है, तो क्या हो गया? स्मॉल आर. ऐसे ही हमें कैपिटल और स्मॉल आर बनाने हैं. और नीचे हमें अपने आप आर की राइटिंग करनी है. ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है. फिर हमें नोटबुक निकालनी है और यहाँ पे भी हमें कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर लिखना है. कैसे लिखेंगे? रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ आगे से कर्व, फिर यहाँ स्लांटिंग लाइन. यहाँ सेकंड लाइन में हम स्मॉल आर लिखेंगे और वो ब्लू लाइन में होता है ना स्टैंडिंग, और यहाँ से ऐसा कर्व जैसा. तो ये क्या हो गया? स्मॉल आर. तो आपको दोनों बुक में अच्छे से राइटिंग कंप्लीट करनी है. थैंक यू.